हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो कल हम कुछ फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में बात करी थी। आज हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो ये जो जितने भी एमसीक्यू आप देखेंगे वो कोई ना कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ रखे हैं या उससे रिलेटेड कोई ना कोई आ रखे है ना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। तो अब बात अपन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग इज यूज्ड फॉर, है ना, ड्रग का यूज कहाँ किया जाता है। फर्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, सेकंड है मिटिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, थर्ड है क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, या फोर ऑल ऑफ डिज, है ना। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये ड्रग क्या चीज होती है ना। तो ड्रग आपने देखा होगा फार्माकोलॉजी के अंदर कि ड्रग एक फ्रेंच वर्ड से डेरिवेट, ड्रोग्यो से डेरिवेट किया गया है ना। ये ड्रग एक कौन सा फ्रेंच वर्ड है, कौन सा, ड्रैग्यू, है ना, उससे डेरिवेट किया गया है, जिसका मीनिंग होता है ड्राई हर्ब, है ना। कोई भी ड्राई हर्ब है उसको क्या बोलेगी अपन, ड्रग बोलते हैं, जिसका यूज अपन कर सकते हैं किसमें, कोई भी डायग्नोसिस ऑफ डिजीज में, मिटिगेशन ऑफ डिजीज में, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो ऐसा कोई भी एजेंट, कोई ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जिनका यूज डायग्नोसिस, किसी भी डिजीज को डायग्नोसिस करने में, उसका ट्रीटमेंट करने में, उसका मिटिगेशन करने में, चाहे उसका प्रिवेंशन हो और क्योर करने में हो, दैट इज कॉल्ड ड्रग के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि सलीवरी एमाइलेज डाइजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। सलीवरी एमाइलेज है वो किसको डाइजेस्ट करता है। तो सलीवरी एमाइलेज के नाम से कुछ पता चल रहा है कि ये जो एमाइलेज है वो कहां से सिक्रेट हो सकता है अपन के, सलीवा ग्लैंड से ना। जो सलीवा ग्लैंड होती है उससे सिक्रेट होता है सलीवरी एमाइलेज। अब वो किसको डाइजेस्ट करेगा, फर्स्ट है ए फैट को करेगा, बी प्रोटीन को करेगा, सी स्टार्च को करेगा, या डी प्रोटीन, रिपीट हो, ओके, है ना। इसकी जगह जैसे कि नन ऑफ दिस, है ना, या फिर ये किसी को नहीं करेगा, क्लियर। तो सलीवरी जो एमाइलेज है वो मोस्टली डाइजेस्ट करता है आपके स्टार्च को, किसको करेगा, स्टार्च को, जो भी जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डाइजेस्ट करने में आपका जो मेन एंजाइम्स होता है, दैट इज कॉल्ड सलीवरी एमाइलेज। वो कहां पे प्रेजेंट होती है, जो सलीवा ग्लैंड, ये आपके माउथ में प्रेजेंस होती है ना, माउथ के अंदर प्रेजेंस होती है आपकी सलीवरी ग्लैंड, और उसका फंक्शंस होता है कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। अब स्टार्च क्या चीज होती है कि स्टार्च, आपने जब कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि बहुत सारे जो कार्बोहाइड्रेट है उसका क्लासिफिकेशन कुछ मोनोसेकेराइड्स होता है, उसके बाद में ओलिगोसेकेराइड्स होता है, एक अपन ने देखा होगा पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, फिर पॉलीसेकेराइड को जब वापस दो भागों में डिवाइड किया जाता है, कौन कौन सा, एक तो होमोजीनस पॉलीसेकेराइड, एक होता है हेटेरोजीनस पॉलीसेकेराइड, ठीक है। एक तो होता है कौन सा, एक तो होता है होमो और एक होता है आपका हेटेरोजीनस पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो होमोजीनस जो भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उसके अंदर आपका आता है स्टार्च हो गया, आपका सेलुलोज हो गया, वो आता है होमो पॉलीसेकेराइड के अंदर, जबकि हेटेरो पॉलीसेकेराइड के अंदर हेपेरिन आता है, कौन सा, हेपेरिन है, हो गया आपका हाई एलोरिन की यूरिन जो एसिड है ना, वो आपका हेटेरो पॉलीसेकेराइड्स में आता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हेपेरिन, है ना, हेपेरिन आपका कौन सा पॉलीसेकेराइड्स है, होमो है या फिर हेटेरो है ना। तो हेपेरिन होता है आपका हेटेरो पॉलीसेकेराइड, और होमो पॉलीसेकेराइड्स में आपके स्टार्च होता है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन हो गया, डेक्सट्रिन हो गया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ होमो पॉलीसेकेराइड्स, क्लियर। अब ये क्लियर हो गया कि सलीवरी एमाइलेज है वो किसको डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। अब इसमें जैसे कि बी प्रोटीन था, तो प्रोटीन आप जानते हैं कि प्रोटीन किस चीज से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन का एमिनो एसिड्स, है ना, प्रोटीन एमिनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, पूरी बॉडी का ये बनाते हैं एमिनो एसिड, क्लियर। तो एमिनो एसिड में
अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी में बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो बॉडी आपके जो सिंथेसिस नहीं कर पाती है ना, उसको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं करेगी उसको दैट इज कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और जो बॉडी ऑलरेडी सिंथेसिस करती है ना, दैट इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये जो 20 पूरे के पूरे जो 20 अमीनो एसिड्स है उसको स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के नाम से जाना जाता है, जिसमें से 10 होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स में कौन सा आता है? एक तो होता है आपका वेलाइन, एक होता है आइसोल्यूसिन, एक होता है फिनाइल एलालिन, एक होता है आपका हिस्टिडिन, एक होता है मिथियोनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, आर्जिनिन, लाइसिन एंड ल्यूसिन। कौन कौन से होता है? एक तो वेलाइन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलालिन, हिस्टिडिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, आर्जिनिन, लाइसिन और ल्यूसिन, है ना। इसको अपन आप कैसे याद कर सकते हैं? एक जो ट्रिक है कि VIP हॉल में TT, ठीक है। तो VIP हॉल में TT मतलब V से मीनिंग हो गया आपका वेलाइन, है ना। I से हो गया आइसोल्यूसिन, P से हो गया फिनाइल एलालिन, और S से हो गया आपका हिस्टिडिन, A से हो जाएगा कौन सा? आर्जिनिन, L से हो गया आपका ल्यूसिन, और इस L से हो गया आपका लाइसिन, और M से हो गया आपका मिथियोनिन, और T से हो गया थ्रियोनिन, और इस T से हो गया आपका ट्रिप्टोफान। क्लियर? तो VIP हॉल में जो TT है इसका मीनिंग अब समझ में आ गया कि इसको एसेंशियल एमिनो एसिड्स के नाम से इसको याद करने का जो ट्रिक हो गया कि VIP हॉल में TT, है ना। तो V का मीनिंग हो गया आपका वेलाइन, I का हो गया आइसोल्यूसिन, P का हो गया फिनाइल एलालिन, H का हो गया हिस्टिडिन, A का हो गया आर्जिनिन, इसका हो गया लाइसिन, इस L का हो गया ल्यूसिन, इस ME का हो गया मिथियोनिन, और इस T का हो गया ट्रिप्टोफान, और इस T का हो गया थ्रियोनिन। क्लियर? और जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स है अदर जो भी है ना, बताया कि अब भाई अब के 20 जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं उसको स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें से 10 होता है वो अपन के बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और 10 होता है उसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? तो नॉन एसेंशियल में कौन सा आता है? जैसे कि ग्लाइसिन, है ना। ग्लाइसिन के बारे में एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सा एक अमीनो एसिड्स होता है जो कि ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है ना, तो वो होता है आपका ग्लाइसिन, है ना। तो ग्लाइसिन हो गया आपका, सेरीन हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, आर्जिनिन, एस्पारजाइन हो गया, ग्लूटामाइन हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, टायरोसिन हो गया, प्रोलिन हो गया, एलालिन हो गया, और सिस्टिन हो गया, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन एसेंशियल एमिनोसिड्स, ठीक है। ये अमीनो एसिड्स होते हैं, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि इस कौन से अमीनो एसिड्स के अंदर एलिफेटिक चेन होती है, कौन से अमीनो एसिड्स के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, किसके अंदर सल्फर ग्रुप प्रेजेंस होता है, कौन से एसिडिक होते हैं, कौन सा बेसिक्स होता है। तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो हम ये भी सॉल्व कर लेते हैं कि ऐसे कौन से अमीनो एसिड्स जिसके अंदर एलिफेटिक चेन प्रेजेंस होती है। ये एलिफेटिक अमीनो एसिड जिसको अपन बोल सकते हैं वो हो गया आपका ग्लाइसिन, एलालिन, वेलाइन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन, है ना। कौन से? ग्लाइसिन, एलालिन, वेलाइन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन। ये जो पांच एमिनो एसिड्स होते हैं जो एलिफेटिक एमिनो एसिड्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर? सेकेंड हो गया ऐसे एमिनो एसिड जिसके अंदर OH ग्रुप है ना, कौन सा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंस होता है, वो कौन से होता है? तो वो होता है आपका सीराइन, है ना, सेरीन, एक होता है आपका थ्रियोनिन, एक होता है टायरोसिन, है ना। तो टायरोसिन एरोमेटिक अमीनो एसिड में भी पड़ेंगे, तो कौन से मेजरली? एक तो सेरीन हो गया, एक आपका थ्रियोनिन और एक टायरोसिन। ये तीन ऐसे अमीनो एसिड्स हो गए जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंस होता है। कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप, है ना। तो OH ग्रुप आपका किसमें प्रेजेंस हो गया? एक तो सेरीन हो गया, एक थ्रियोनिन हो गया, एक टायरोसिन हो गया, ठीक है। एक सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स होते हैं जिसके अंदर सल्फर ग्रुप प्रेजेंस होगा, तो सल्फर कंटेनिंग कौन से हो गए? एक तो सिस्टीन, एक होता है आपका मिथियोनिन, है ना, जो अपन ने देखे थे एसेंशियल्स में, है ना, मिथियोनिन था ना।
तो मिथियोनिन ऐसा एमिनो एसिड्स होता है जिसके अंदर सल्फर ग्रुप प्रेजेंस होता है ना, सल्फर कंटेनिंग और सिस्टीन होता है ना। तो दो ये एमिनो एसिड्स हो गए जिसके अंदर सल्फर कंटेनिंग सल्फर ग्रुप प्रेजेंस होता है, तीन होता है जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंस होता है, और जो पांच वही होते हैं जिसके अंदर एलिफैटिक ग्रुप प्रेजेंस होता है। ठीक है, अब ऐसे एमिनो एसिड जो जिसको एसिडिक एमिनो एसिड्स के नाम से जाना जाएगा, क्लियर। इसमें कौन कौन से आता है आपके, एस्पार्टिक एसिड हो गया, सेकेंड एस्पारजाइन हो गया, थर्ड ग्लूटामिक एसिड हो गया और ग्लूटामाइन, है ना। इसको बहुत ईजी है याद करने में, एस्पारजाइन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड, क्लियर। तो ये जो चारों एमिनो एसिड्स होते हैं जिसको क्या बोलेंगे, एसिडिक एमिनो एसिड्स के नाम से जाना जाता है। अब बेसिक एमिनो एसिड्स, बेसिक एमिनो एसिड्स में कौन से आते हैं, ये तीन आते हैं, कौन से, एक तो लाइसिन, एक होता है आर्जिनिन, एक होता है स्टीडिन। कौन से, लाइसिन, आर्जिनिन और स्टीडिन, ये तीनों कौन क्या होता है इसके अंदर, बेसिक एमिनो एसिड्स के नाम से उसको जाना जाता है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर बेसिक एमिनो एसिड्स क्यों बोला गया, एसिडिक एमिनो एसिड्स क्यों बोला गया, एसिड अमीन एसिडिक इसलिए बोला गया कि क्योंकि नॉर्मली एमिनो एसिड्स के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 है ना, कि एमीन ग्रुप तो प्रेजेंस होता ही है, लेकिन इस एसिडिक ग्रुप एसिडिक एमिनो एसिड्स के अंदर एक एक्स्ट्रा CWH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंस होगा, और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा होता है NH2 है ना, अमाइड्स ग्रुप प्रेजेंस होता है, एमीन ग्रुप प्रेजेंस होता है, उस वजह से उसको बेसिक एमिनो एसिड्स के नाम से उसको जाना जाता है। कौन से हो गए आपका, लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया और स्टेरिन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। तो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स कौन से होते हैं, फिनाइल एलालिन है ना, एक होता है टायरोसिन, एक होता है ट्रिप्टोफान। तो ये तीन अपने ये जो टायरोसिन है वो उसमें भी पड़ा था जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंस होता है ना, तो टायरोसिन होता है, फिनाइल एलालिन हो गया और ट्रिप्टोफान, जिसके अंदर इन तीनों की अगर केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो इसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंस होती है ना, तो इस वजह से उसको बोलते हैं एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। कौन से हो गए, एक तो फिनाइल एलालिन हो गया, एक आपका टायरोसिन हो गया, एक आपका ट्रिप्टोफान हो गया, एक प्रोलिन है जिसमें इमिनो ग्रुप प्रेजेंस होता है ना। कौन सा हो गया, ये एकमात्र ऐसा एमिनो एसिड्स है जिसके अंदर प्रोलिन एमिनो ग्रुप प्रेजेंस होता है, वो आपका हो गया प्रोलिन, है ना। ठीक है, तो ये होगी अपन की बात। केमिकली अगर बात करें कि ग्लाइसिन के अंदर कौन से ऐसे कुछ साइड चेन्स प्रेजेंस होते हैं, कौन सा ग्रुप प्रेजेंस होता है, कौन से एमिनो एसिड्स को अपन एसिडिक बोलेंगे, किसको बेसिक बोलते हैं, कौन सा एरोमेटिक होता है, किसके अंदर इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंस होता है, तो ये आपके एमिनो एसिड्स के बारे में बात हो गई। ठीक है, अब कई बार ये भी क्वेश्चन आता है को कि कौन सा एमिनो एसिड्स किसको किसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट किया जाता है, जैसे कि सल्फर को डिटेक्ट करने के लिए उसका ये नाइट्रोकूसाइड टेस्ट किया जाता है ना, तो जिसमें ये सिस्टीन वगैरह ये आता है ना, सिस्टीन आपका दैट इज कॉल्ड नाइट्रोकूसाइड टेस्ट हो गया। एक इमिडाजोल रिंग जिसमें किसमें प्रेजेंस स्टीडिन वगैरह इसमें प्रेजेंस होती है ना, उसको डिटेक्ट करने के लिए पाउलिस टेस्ट किया जाएगा। गोनिडाइन रिंग जैसे कि आर्जिनिन में प्रेजेंस होता है ना, उसको डिटेक्ट करने के लिए साकागुची टेस्ट किया जाता है। एक मिलोन टेस्ट, मिलोन रिएक्शन जिसको बोलेंगे, वो किसमें, फिनोलिक, फिनोलिक ग्रुप जिसके अंदर प्रेजेंस होगा उसको डिटेक्ट करने के लिए आपका मिलोन रिएक्शन किया जाता है। जैंथोप्रोटिक टेस्ट होता है, ये भी एरोमेटिक एमिनो एसिड्स में किया जाएगा। एनिनहाइड्रिन है वो अल्फा एमिनो एसिड्स में किया जाता है, और बायूरेट रिएक्शन है वो आपके टू पेप्टाइड चेन है उसको डिटेक्ट करने में ये जो टेस्ट किया जाता है। कौन कौन से, एक तो बायूरेट रिएक्शंस होगी, एनिनहाइड्रिन, जैंथोप्रोटिक, तो इनमें से कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि जो इमिडाजोल रिंग है उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन कौन सा टेस्ट लगा लेंगे, है ना, तो आपका पाउलिस टेस्ट हो जाएगा। नाइट्रोकूसाइड किसके लिए हो जाएगा, सल्फर ग्रुप के लिए हो जाएगा। साकागुची किसके लिए हो जाएगा, गोनीडाइन, है ना, ये जिसे आप गोनीडाइन को याद रख सकते हैं ना, गोनीडाइन ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए। एनिनहाइड्रिन है वो अल्फा, कोई भी एमिनो एसिड्स को मोस्टली डिटेक्ट करने के लिए अपन यही लगाते हैं ना, अल्फा एमिनो एसिड्स को डिटेक्ट करने के लिए एनिनहाइड्रिन लगाएंगे। ठीक है, बाकी प्रोटीन जिसके अंदर प्रेजेंस होता है वो तो कई बार आपने किया ही होगा, उसके लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, बायूरेट, बायूरेट टेस्ट करते हैं ना प्रोटीन को डिटेक्ट, जिसके अंदर प्रोटीन के अंदर क्या पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, तो उसी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से बायूरेट रिएक्शंस करता है ना, तो पेप्टाइड कोई भी प्रोटीन है उसके लिए अपन वही बायूरेट टेस्ट हो जाएगा, एमिनो एसिड्स के लिए एनिनहाइड्रिन हो जाएगा, सल्फर है जिसके अंदर नाइट्रोफ्यूसाइड हो गया,
और कोई भी फिनोलिक है जिसके अंदर मिलोन टेस्ट हो गया, तो ये हो गया मोस्टली एमिनो एसिड्स के बारे में, है ना। तो अपन ने इतनी बात कर ली कि कौन से एसेंशियल्स होते हैं, कौन से नॉन एसेंशियल्स एमिनो एसिड्स होते हैं, कौन से एमिनो एसिड्स के अंदर सल्फर ग्रुप होता है, कौन से अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंस होता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन के अंदर प्रेजेंस होता है। सल्फर ग्रुप आपके सिस्टीन और मिथियोनिन में प्रेजेंस होता है ना। और कौन सा जो भी एमिनो एसिड उसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंस होता है। तो ये कभी कभी इनमें से ही छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आता है आपका, मर्मर अकर्स ड्यू टू, किस वजह से मुरमुर होता है ना, किस वजह से जो हार्ट के अंदर जो साउंड बजती है ना वो किस वजह से बजती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हार्ट वॉल्व, है ना। हार्ट वॉल्व की वजह से ये जो आपकी जो साउंड जनरेट होती है जिसको मुरमुर के नाम से जाना जाता है ना। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। बोन है ना, बोन इन अपेंडिकुलर स्केलेटल, तो बोन इन अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है ना। सबसे पहले जैसे स्केलेटल सिस्टम था, स्केलेटल सिस्टम को अपन दो भागों में बांटा गया था। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कि स्केलेटल सिस्टम कौन कौन सा, जैसे कि एक्साइल स्केलेटल हो गया और एक हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटल, है ना। तो जो एक्साइल स्केलेटल होता है उसके अंदर कितने बोन्स प्रेजेंस होती है, 80 बोन, है ना। 80 बोन होती है वो आपके एक्साइल स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंस होती है, और जो 126 बोन है ना वो आपके अपेंडिकुलर सिस्टम स्केलेटल में प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोन इन अपेंडिकुलर स्केलेटल इज 126। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3, कि कौन से विटामिन की कमी से, विटामिन B3 की कमी से कौन सा डिजीज होती है ना आपको। तो फर्स्ट है पेलेग्रा, सेकंड ऑस्टियोपोरोसिस, थर्ड रिकेट्स, या डी ऑल ऑफ दिस। तो विटामिन B3 है ना, विटामिन B3 को केमिकली से उसको क्या बोलते हैं, नाइसिन, है ना। विटामिन बी कौन सा होता है जो आपका वाटर सोल्यूबल होता है ना। आपने पढ़ा होगा कि विटामिन जो बी होता है, एक आपका बी और एक होता है आपका सी, ये बोथ आर द विटामिन आर वाटर सोल्यूबल होता है ना। वाटर के अंदर सोल्यूबल होने वाले जो विटामिन होता है वो बी सी होता है। बाकी जो ए डी कौन से विटामिन हो जाएगा अपन का, तो ए डी ई के, है ना। ये जो चारों विटामिन क्या होता है, ये होते हैं आपके फैट सोलूबल, है ना। ये हो गया आपके फैट सोलूबल हो जाएंगे, और ये हो जाते हैं आपके वाटर सोलूबल, कौन कौन से, बी और सी। ठीक है, तो विटामिन B3 की, अभी ये पूछ रहा है कि विटामिन B3 की कमी से कौन सी डिजीज होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कौन से सिम्टम्स आपको आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड पेलेग्रा, है ना। पेलेग्रा होता है वो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होने वाला होता है। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा आपके विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। रिकेट्स, विटामिन, वो भी विटामिन डी की कमी से हो जाएगा, है ना। अब विटामिन का कुछ ये केमिकली कुछ नेम है, जैसे कि विटामिन ए को अपन किस नाम से जानता है, रेटिनॉल के नाम से जाने गए। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल, जिसका एक्टिव फॉर्म कभी पूछते हैं, विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म कैल्सीट्रायोल है ना। विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म होती है वो कैल्सीट्रायोल है। विटामिन डी का जो नाम होता है कैल्सीफेरोल है। विटामिन ई टोकोफेरोल, विटामिन के फाइलोक्विनोन, विटामिन B1 का नाम होता है। अब वापस बी को भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में बताया गया ना, B1, B2, B3। तो B1 को बोलते हैं अपन थायमिन, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, B3 को बोलते हैं नाइसिन, B5 को बोलेंगे, B4 विटामिन नहीं होता है, और B8 नहीं होता है ना, 4 और 8 नहीं होता है। तो विटामिन B3 को नाइसिन बोलते हैं, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक बोलते हैं, विटामिन B6 को पाइरिडोक्सिन बोलते हैं, विटामिन B7 जिसको विटामिन एच भी बोलते हैं, है ना, इसको विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है, इसको बायोटिन के नाम, बायोटिन है ना। और विटामिन B9 है, दैट इज फॉलिक एसिड, और विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन, जिसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंस होता है ना, कोबाल्ट ग्रुप, और विटामिन सी हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर। तो कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द विटामिन प्रेजेंस कोबाल्ट, है ना। और तो आपका विटामिन B12 हो गया,
विटामिन B9 को फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, विटामिन B7 को बायोटिन हो गया, विटामिन B6 पाइरिडोक्सिन हो गया, विटामिन B3 को नाइसिन हो गया, है ना, विटामिन B1 को थायमिन हो गया, विटामिन K को फाइलोक्विनोन, है ना। विटामिन K होता है वो एक एंटी कोगुलेंट के रूप में वर्क करता है ना, कौन सा, सॉरी विटामिन K होता है जो एंटी कोगुलेंट जो ड्रग होती है ना आपकी, कौन सी, हेपेरिन, उसका एंटागोनिस्ट होता है ना। तो विटामिन के इज एंटागोनिस्ट ऑफ हेपेरिन। हेपेरिन आपके बॉडी में, मैंने बताया था ना, हेपेरिन कौन सा होता है, हेपेरिन हेटेरोपोलीसेक्राइड्स होता था, तो उस हेटेरोपोलीसेक्राइड्स हेपेरिन होता है वो बॉडी में एंटी कोगुलेंट के रूप में वर्क करता है ना, नेचुरली पॉलीसेक्राइड्स होता है, तो उसका जो एंटागोनिस्ट है वो होता है विटामिन के, है ना, विटामिन के, दैट इज कॉल्ड फाइलोक्विनोन। एक आपको मैं एक आपने कभी एंटीकोगुलेंट में वेरफ्रिन नाम की ड्रग सुनी होगी ना, जिसको ओरली यूज किया जाता है वेरफ्रिन, उसका एंटीकोगुलेंट होता है प्रोटामाइन सल्फेट, है ना, प्रोटामाइन सल्फेट करके इसका एक एंटीकोगुलेंट होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विटामिन के किसका एंटागोनिस्ट होता है, तो हेपेरिन का एंटागोनिस्ट होता है विटामिन के, और वेरफ्रिन का होता है प्रोटामाइन सल्फेट। क्लियर। तो ये कुछ आज बात कर ली अपन ने 5 क्वेश्चंस की। नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में बात करेंगे MCQ से रिलेटेड, और कुछ भी और इससे रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप कमेंट जरूर करें, और कुछ डाउट हो तो जरूर पूछें, ठीक है, थैंक यू।